हेलो दोस्तों आज हम करने वाले हैं एलईडी इंडिकेटर फ्लैशर का इंस्टॉलेशन दोस्तों ये है हमारा फ्लैशर तो जो सबसे पहले जो आती है हमारी अब जो ब्लैक वायर है इसे हम करेंगे ग्राउंड ग्राउंड का आप नेगेटिव में भी लगा सकते हो या तो किसी बोल्ट को या स्क्रू को लगा सकते हो उसके बाद आती है हमारी रेड वायर रेड वायर जाएगी सीधा एक स्विच को स्विच के थ्रू स्विच का जो तो दूसरा एंड होगा वो जाएगा पॉजिटिव को ये मैंने गलती से यहाँ पर नेगेटिव लिखा ये पॉजिटिव हुआ और ये नेगेटिव दूसरा एंड पॉजिटिव में जाएगा तो उसके बाद आता है हमारे येलो वायर येलो वायर जो होगा दोनों येलो होंगे कहीं भी कोई भी लगेगा तो चलेगा ये जो जाएगा सीधा पॉजिटिव में जाएगा ये लाइन यहाँ पर बल्ब के पॉजिटिव में ये पॉजिटिव लाइन एक तो होगा ऑरेंज कलर का या तो येलो कलर या फिर ग्रीन कलर का आपकी बाइक में इनमें से कोई भी एक कलर का वायर होगा पॉजिटिव के लिए इस वाले को भी सेम आएगी वायरिंग सेम पॉजिटिव में ही लगाना है आपको भी आ, दोनों येलो कलर के ही होंगे दोनों जाएंगे पॉजिटिव में ही तो ये होगा हमारा वायरिंग का डायग्राम कंप्लीट अब हम जाएंगे प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर सबसे पहले हमें काटना होगा ये कवर इस कवर को आप हम निकालेंगे उसके बाद ये जो एल बल्ब है आपको पुराने बल्ब निकालने होंगे क्योंकि उनका वो बहुत स्लो ब्लिंक करते हैं इसलिए आपको एल बल्ब डालना होगा ऐसे पुराना बल्ब डालेंगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है बट स्लो ब्लिंक करेगा उतना अच्छा नहीं दिखेगा तो हम डालेंगे एल बल्ब को ये हमारा एल बल्ब हो बल्ब होगा इंस्टॉल सेम आपको चारों इंडिकेटर्स को चेंज करना होगा एल बल्ब को डालना होगा इसे वापस फिक्स करेंगे अंदर अब आएगा हमारा ये फ्लैशर तो दोस्तों ये हमारा फ्लैशर तो ये कुछ आपको टू हंड्रेड रुपीज़ पड़ेगा टू हंड्रेड या टू फिफ्टी रुपीज़ पड़ेगा ऑनलाइन थ्री हंड्रेड कुछ है ये जो हमारे है ये वायर्स येलो रेड एंड ब्लैक हम करते हैं वायरिंग को सेम वायरिंग जैसे डायग्राम में दिखाई थी तो जो येलो वायर्स होंगे ये जाएंगे दोनों इंडिकेटर्स के तरफ तो दोस्तों ये हमारा स्विच ये ऑन ऑफ का बटन ये आपको ऑनलाइन मिलेगा या फिर आपको किसी भी लोकल शॉप में मिलेगा एटी रुपीस कुछ पड़ेगा इसका ये हमारे दो वायर्स है स्विच के इसमें से एक जाएगा बैटरी पॉजिटिव के लिए और एक जाएगा हमारे रेड वाले वायर फ्लेशर के वायर के लिए ये यह यहाँ पर बाइक में इस तरह से बैठेगा आप कहीं पर भी इंस्टॉल कर सकते हो मुझे ये जगह अच्छी लगी पसंद आई तो यहाँ पर मुझे कंफर्टेबल लगा इसलिए मैंने यहाँ पर फिट कर दिया इसे तो दोस्तों ये हमारी वायरिंग हो गई है कंप्लीट ये जो हमारा रेड है ये हमने दिया है स्विच को ये हमारा येलो जो गया है इंडिकेटर के लिए पॉजिटिव में दोनों साइड और ये जो येलो ब्लैक है ये हमारे तो हमारा जगह तो देखिए हमारा फ्लैशर कुछ इस तरह से चलता है ये है उसके पैटर्न्स तो इसमें कुछ सिक्स अलग अलग पैटर्न्स मिलते हैं तो मतलब देखो जो ड्यूक का जो होता है वो है हमारा कितना कुछ दो हजार रुपया पड़ता है फ्लैशर ये मिलता है हमें कुछ टू हंड्रेड टू फिफ्टी रुपीज़ में तो टू फिफ्टी रुपीज में और कितना एक्सपेक्ट करेंगे बट मेरे हिसाब से तो इतना काफ़ी है तो कुछ सिक्स पैटर्न्स मिलते हैं इसमें ये हमारा रियर साइड है यहाँ पर मैंने ब्लू एलईडी ई डी डाली है ताकि आपको दोनों एल ई ऑरेंज और ब्लू दोनों में डिफरेंस क्या होता है कैसे मतलब कितना तो... अट्रैक्टिव है दोनों कलर्स तो मुझे लगा कि ब्लू कुछ ज़्यादा अच्छा लगते हैं बट आ, औरेंज क्या होता है कि मतलब सामने पुलिस बुलिस है तो उतना हाईलाइट नहीं होता कि आपकी गाई बाइक मॉडिफाइव है तो यहाँ पर एक एडवांटेज है ऑरेंज का नहीं तो आप कोई भी कलर डाल सकते हो आपकी मर्जी तो दोस्तों हम आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे कमेंट कीजिए हमें कि आपको और किस पर वीडियोस चाहिए और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को